उसमें बहुत ज़्यादा एक जोश है चेंज करने का, स्पेशली बलूचिस्तान की यूथ में पाया जाता है कि हमने बलूचिस्तान को जो है ना बाकी सूबों से भी आगे लेके जाना है। तो हम चाहते हैं कि हमारी इस नेक कॉज में हमारे साथ जुड़ जाएं, रोड सेफ्टी का मैसेज जो है लोगों में फैलाएं, खुद भी फॉलो करें और अपने दोस्तों को अहबाबों को भी बताएं कि किस तरह रोड सेफ्टी को फॉलो करना है और रोड्स को महफूज बनाने में हमारी मदद करें। हमने बेसिकली क्या है कि हम जब टीचिंग मेथड्स पढ़ाते हैं तो टीचिंग मेथड्स में होता ये है कि हम डेमोंस्ट्रेशन मेथड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। डेमोंस्ट्रेशन मेथड का क्या है कि डेमोंस्ट्रेशन मेथड की वजह से हम स्टूडेंट्स को इनहेंस कर देते हैं, लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टिमुलेट हो सकते हैं। मॉडल्स हो गए, जो प्रोजेक्ट्स हो गए या चार्ट्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, लर्निंग को, स्टूडेंट के लर्निंग को अफेक्टिव बनाते हैं या इससे उनकी जो क्रिटिकल स्किल डेवलपमेंट भी होती है, यहाँ से उनका मतलब एक चीज़ को वो देख रहे हैं, मतलब सुनने से ज़्यादा जो है ना वो देख कर किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। स्टॉल है ये रोड सेफ्टी थीम बेस्ड है, जहाँ पे जितने भी गैजेट्स और चीज़ें मौजूद हैं ये हैं मोटरवे पुलिस जिन्हें इस्तेमाल करती है इन्फोर्समेंट के लिए और हेल्प सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रोड यूज़र्स। यहाँ स्टूडेंट जो यूथ मौजूद है उनसे इंटरेक्ट करने का हमें मौका मिल रहा है कि हम उन्हें रोड सेफ्टी सिखाएं, किस तरह रोड को महफूज तरीके से इस्तेमाल करना है ख़ुद को बचाते हुए और दूसरों को बचाते हुए। सीट बेल्ट पर हमारे जो कानून हैं वो उस पर हम पासदारी करने के इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, उन्हें ब्रीफिंग्स भी दे रहे हैं, फ़ायदा भी बता रहे हैं कि रोड पे अगर आप सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं उसका क्या फ़ायदा है। तो हमारी यूथ ही चेंज ला सकती है, तो हमारा मकसद ये है कि हम इनको सेंसिटाइज करें ताकि मास स्केल पे जो रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हमें अपने मॉडल्स और अपने चार्ट्स दिखाएं और अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे हमारी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग की मैं बात करूँ अगर, वो इससे क्या इम्प्रूव भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, हमारे लर्निंग पर पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करता है ये। तो हमें आगे फ्यूचर में भी फिर इस तरह की चीज़ें, अब जो मैंने ये बनाया है मॉडल आपके सामने, तो इस मॉडल से मुझे बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में, अब उस चीज़ को देख के ना मैं देख रहा था एक चीज़ की उसमें कमी थी दूसरी, अभी इस मॉडल में भी काफ़ी सारी खामियाँ है वो पूरा हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो क्या होगा आगे जाकर फिर मैं इस चीज़ को और भी बेहतर बना सकता हूँ। और बच्चों के लिए छोटी चीज़ें, ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं कि बच्चे इसमें बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, टीचर को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है।